वहीं धमतरी नगर निगम के कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, जिससे नाराज निगम कर्मियों ने चरणबद्ध हड़ताल शुरू कर दिया है। वेतन नहीं मिलने पर 22 जुलाई को कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल नगर निगम एक स्वायत्त शासी संस्था है, ऐसे में नगर निगम का पूरा खर्च शहरवासियों से मिलने वाले तमाम तरह के टैक्स से चलता है। बता दें कि मौजूदा वक्त में प्लेसमेंट और नियमित मिलाकर नगर निगम में करीब 350 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनको 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है। ऐसे में कर्मचारियों को घर परिवार चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के रेगुलर कर्मचारी 210 की संख्या है और 254 प्लेसमेंट कर्मचारी हैं। यहाँ कुल मिला के 400 से ऊपर ही कर्मचारी हैं पूरे नगर निगम धमतरी के अंतर्गत, और जिसके संबंध में आज हम लोग काला पट्टी लगा के कार्य कर रहे हैं। हमें 2 महीने से वेतन नहीं मिला है और ये बार बार का रवैया रहता है और ये तीसरा महीना चल रहा है, और इस वेतन के मांग को लेकर ही हम लोग आज काला पट्टी के चरणबद्ध ढंग से अपन 18-19 को काला पट्टी लगा के कार्य कर रहे हैं। 22 तारीख को अपन कलम बंद हड़ताल पर रहेंगे और फिर प्रांताध्यक्ष के निर्देश पर अपन 29 तारीख को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के। हमारे नगरीय निकाय स्तर पे नवयुक्त कर्मचारी संगठन का निर्माण किया गया है, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर आह्वान किया गया है कि हमारे जो नगरीय निकाय कर्मचारी हैं उनको समय पे वेतन नहीं प्राप्त होता। विगत अभी कई जगहों पे 3-4 महीने का भी लंबित है, हमारे नगर निगम धमतरी में 2 महीने तीसरा महीना चल रहा है। तो इन को मिलाकर 3 मांगे प्रमुख रूप से हमारे कर्मचारी संघ के द्वारा उठाया गया है, और उसके संबंध में चरणबद्ध जो नियमानुसार हड़ताल करने का जो कर्मचारियों का क्राइटेरिया के अंतर्गत करना है, वो हमारे को 18 और 19 तारीख को काला फीता लगाकर हम लोग को कार्य करना है। उसके बाद फिर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होने पर कलम बंद हड़ताल, कलम को बंद करके जो कार्य करना है उसका प्रदर्शन किया जाना है। उसके बाद फिर एक दिवसीय धरना अपने लोकल स्तर पे ही धरना प्रदर्शन कार्रवाई किया जाए।